Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं सिजलिंग चीज चिकन टंगड़ी कबाब। आप इसे चिकन चीज टंगड़ी कबाब सिजलर भी कह सकते हैं, आपने जो कहना है कहिए। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मेरा तो मेन यही है। तो बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है 1 किलो तक की चिकन। वैसे मैंने पहले चर्बी निकाल ली थी, 2-3 पानी से धो के नितान्ने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पर ना मैंने ये ऐसी इस तरीके से स्लिट्स मारी है, आगे और पीछे दोनों, समझिए ना, एक साइड पे 3-3, 4-4 डीप स्लिट्स मारी है और पीछे भी 3-4 डीप स्लिट्स मारी है और एक बाउल में डाल दिया। अब सेपरेटली एक बाउल लीजिए, उसके अंदर 1/4 कप गाढ़ी दही डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये ज्यादा स्पाइसी वाला नहीं है तो मैं 2 डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। या आपका स्पाइसी वाला हो तो आप कम भी डाल सकते हैं, या आप आधा नॉन स्पाइसी वाला डालें और आधा स्पाइसी वाला भी डाल सकते हैं, आप आपके हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 3/4 या 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, वैसे मैंने 3/4 छोटा चम्मच डाला है, और 1/4 या 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, और 1 मीडियम साइज का नींबू पूरा निचोड़ कर डाल दीजिए, यानी कि नींबू का रस डालना है, और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल वो भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जब मिक्स हो जाए तो हमारे जो चिकन पीसेस है उस पर बहुत ही अच्छे से लगाते जाएं और रब करते जाएं, स्पेशली जो हमारे ये हमने जो स्लिट्स दी हैं चिकन के ऊपर आगे और पीछे, सारों के इसमें रब करते जाएं और बहुत ही अच्छे से लगा दीजिए, तो मैरिनेशन अंदर तक जाएगा तो टेस्ट बहुत ही डिलिशियस और बेहतरीन आएगा। जब आप मसाला चिकन पे लगा दें और बहुत अच्छा वेल कोट कर लें चिकन को, तो ढक कर इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। अब समय आपके पास जितना हो, आपके पास 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, मैं क्या कर रही हूँ अभी इसे ढक कर रख देती हूँ, मैं कल बनाऊंगी, तो ये टोटली आपके पास जितना समय हो उस समय के लिए इसे मैरिनेट करने फ्रिज के अंदर रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट डे हो गया है और मैरिनेशन बहुत अच्छे से हो चुका है, तो यहाँ मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसके अंदर हमारी जो चिकन के पीसेज है ये सारे डालते जाएं और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाए तो ये जो हमारे सारे जो चिकन पीसेज है इन्हें पलट दीजिए और जो मसाला बचा है वो सारा भी डाल दीजिए इसके अंदर पलटने के बाद, और इसे 1-2 मिनट फास्ट आंच पर फ्राई होने दीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन समझिए ना 10-12 मिनट तक पकने दीजिए। अब ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी कितना छूट चुका है, तो अब मैं फिर से 10-12 मिनट के बाद पलट रही हूँ और इसे फिर से 10-12 मिनट तक पीछे की साइड पे पकने दूंगी, सो दैट हमारी जो चिकन है वो पूरी तरीके से गलनी चाहिए ना, तो फिर से ये मैंने पलट दिया और इसे ढक कर 10-12 मिनट तक पकने देती हूँ। चलिए टोटल समझिए ना, मैंने उलट पलट करते हुए टोटली 20 मिनट के लिए पकाया है, चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए अगर पानी रिमेनिंग हो उसके अंदर ग्रेवी हो तो, और उलट पलट करते हुए ये पानी पूरी तरीके से सुखा लीजिए। अब यहाँ ये था ना कि मेरी चिकन के जो पीसेस है वो आप देख सकते बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो 20 मिनट लग गए, 20-22 मिनट। अब आपके छोटे पीसेस हो तो समझिए ना 15-16 मिनट में तो पक जाएंगे। चलिए ये देखिए आप फास्ट आंच पर मैंने पूरा सुखा लिया है, अब मैं इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद और यहाँ पर मैंने स्टील की वाटी रख दी, क्विकली कोयला डाल दीजिए गर्म करा हुआ और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डालें और क्विकली ढक दीजिए और कुछ वजन रख दीजिए। चलिए 10 मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से रहने दिया था, 10 मिनट हो गए, अब मैं इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ और यहाँ पर ग्रिलिंग कर लेती हूँ। ग्रिलिंग प्लेट रख दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके 2-3 जो चिकन पीसेस है इस पर रख के इन्हें उलट पलट करते जाएं और ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए हमारी चिकन के ऊपर,
तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। चारों ओर अच्छे से ग्रिल कीजिएगा, जब हो जाए तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख कर दूसरा बैच भी स्टार्ट कर दीजिए इसी तरीके से ग्रिलिंग करना। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टेप स्किप करना है, तो डेफिनेटली आप ग्रिलिंग स्टेप स्किप कर सकते हैं। इसके बजाय आप क्या कीजिए, जब आप कढ़ाई के अंदर पका रहे हैं, जब लास्ट में जब आप अच्छा फास्ट आंच पर सुखा रहे हैं पानी को, तो ज़्यादा देर पका लीजिएगा, और तब तक पकाएं जब तक है ना ऐसे पतीली के अंदर डार्क स्पॉट्स आना हमारी चिकन के ऊपर शुरू ना हो जाए। तो आप वैसा भी कर सकते हैं या फिर सेपरेटली ग्रिल भी कर सकते हैं, जो भी वे आपने करना है दोनों ही वे सही है। बट मैं हमेशा ग्रिल करती हूँ, तो इसके लिए मैंने इस बार भी ग्रिलिंग किया है। ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से मार्क्स आ गए हैं। अब मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ, तो हमारे चिकन का प्रोसेस पूरी तरीके से हो गया है। अब हम वो जो व्हाइट सॉस जो बनाना है उसकी तरफ जाते हैं। तो अब एक फ्राई पैन के अंदर 1.5 टेबल स्पून जितना मक्खन डालिए, जब वो मेल्ट हो जाए तो 1 छोटा चाय का चम्मच कूटा हुआ या बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया है और इसे बार बार चलाते हुए आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाए तो यहाँ 1 कप मैं दूध डाल देती हूँ। सबसे पहले तो चला लीजिए एक बार, और उसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 छोटे चाय का चम्मच नमक या फिर नमक स्वाद अनुसार, और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। आप देख रहे हैं हल्का उबाल आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक स्लरी बना ली है, आप देख सकते हैं। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है और वो स्लरी थी 3/4 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़े दूध में डालकर घोल बना लिया और वो ये डाल दिया इसके अंदर। अब इसे कंटिन्यूस चलाते जाएं और इसे आधे एक मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट थोड़ा सा थिक हो जाए। मैंने स्लो पे रखा है, आप चाहें तो मीडियम आंच पे भी रख सकते हैं। मेरी पतीली है ना, जो फ्राई पैन है ना, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। चलिए आधा एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर समझिए ना, आधा कप जितना चीज लीजिए और इसमें डाल दीजिए खुरच कर, और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। हमें ये ज़्यादा एकदम थिक नहीं करना है, इसे बस जस्ट मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी, मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है गार्लिक चिली सॉस। आप सादा वाला भी चिली सॉस डालकर मिक्स कर लीजिए, बीच में ये डाल दिया। अब ये देखिए पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, चूल्हे को कर दीजिए बंद यहाँ पर। अब सिजलिंग प्लेट को तो ना मैंने 3-4 मिनट पहले ही स्लो आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो मीडियम पर भी रख सकते हैं, और आप अभी ये 3-4 टेबल स्पून बड़े वाले स्पून भर कर ये जो हमारा व्हाइट सॉस है ये डाल दीजिए सिजलिंग प्लेट के ऊपर, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो चिकन है ग्रिल करी हुई वो भी सारी डाल दीजिए यहाँ पर। अच्छा, आगे का स्टेप मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो कैमरा और यहाँ आग भी थोड़ी सी निकलती है कभी कभी इस समय जब हम ग्रिलिंग प्लेट पे काम कर रहे होते हैं, तो मैं इसे अभी डायरेक्टली वुडन प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। लेकिन आप वहीं पर ही आगे का स्टेप कर सकते हैं। आपने देखा कि मेरा जो व्हाइट सॉस था वो ज़्यादा थिक नहीं था जब मैंने इसमें डाला है ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर, तो वैसा थोड़ा पतला ही रहना चाहिए, सो दैट हम जब ग्रिलिंग प्लेट में डाल रहे हैं और वो वहाँ पर भी पकेगा तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और आपको कुछ ग्रेवी मिले ही ना। अब ये जो मेरी जो कढ़ाई थी जिसमें मैंने ये चिकन को बनाया था पकाया था, उसके अंदर थोड़ा सा तेल वगैरह मसाला वगैरह रह गया, तो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आपका भी रह गया हो तो लगा दीजिए, और बाकी का जो ये हमारा सॉस है चिकन के ऊपर अच्छे से ड्रिजल कीजिए इस तरीके से। थोड़ी सी जो चीज़ है इस तरीके से खुरच दीजिए ऊपर से चिकन के ऊपर, और थोड़ी सी कोथमीर स्प्रिंकल कर दीजिए, और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म सिजलिंग चीज़ी चिकन टंगड़ी कबाब, या फिर आप इसे चिकन टंगड़ी कबाब सिजलर भी कह सकते हैं। अगर आपसे व्हाइट सॉस बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा दूध डालकर उसे मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर आधे एक मिनट तक पकने दीजिए। हल्का सा खोलता हुआ हो जाए तो फिर बंद कर दीजिएगा, और स्पाइस अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।